नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग जो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर वन है उसके अंदर यूनिट 2.5 में किनशिप, तो किनशिप के अंदर जो किनशिप चैप्टर है उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो कई लोगों को इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम उन टर्म्स को देखने वाले हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि किनशिप क्या होता है और डिसेंट ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे किनशिप और डिसेंट दोनों अलग होते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो डिसेंट ग्रुप होता है उसके अंदर हम लीनेजेस को पढ़ते हैं, तो लीनेजेस क्या होते हैं, क्लैंस क्या होते हैं, ट्राइब्स क्या होता है, देन फ्रेटरी और मोइटी वाले कंसेप्ट क्या है और ये कैसे इन चीजों से रिलेट करता है। तो मतलब आपस में हम देखेंगे कि किनशिप के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज आती है जिनको लेके अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, कई बार हम क्लैन को और लीनिएज को एक ही मानते हैं, या हम लोग लीनिएज और क्लैन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ट्राइब में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो ये आज हम देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो किनशिप और डिसेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए किनशिप की हम जब बात करते हैं तो किनशिप में बेसिकली हम जो कंसर्न हमारा जो कंसर्न होता है वो सोशल रिलेशनशिप्स को लेके होता है ना। अब ये सोशल रिलेशनशिप्स कैसे बनती है, तो ये सोशल रिलेशनशिप्स ब्लड के बेसिस पे भी बन सकती है या फिर मैरिज के बेसिस पे भी बन सकती है। ब्लड के बेसिस पे बन जाती है या मैरिज के बेसिस पे बन जाती है ना। किनशिप में ब्लड मतलब जैसे आप हो, अगर आप ईगो हो तो आपके कंटेक्स्ट में आपके जो पापा है, आपके जो सिबलिंग्स है, या आपके जो चाची चाचा, आपके ताऊ जी, आपकी आपकी मासी है ना, आपके मामा, तो ये सब आपके क्या है, ब्लड के वजह से आपसे रिलेशनशिप बना हुआ है। बाय मैरिज, मैरिज में क्या होगा कि सपोज कीजिए आप ईगो हो, आपकी शादी हो जाती है, तो आपके जो इन लॉज है मतलब आपकी जो वाइफ होगी, उनके जो भाई है, उनकी जो बहन है, आपकी वाइफ के जो मामा मामी चाचा चाची, तो ये आपके मैरिज के थ्रू बने हुए किन्स कहलाएंगे, रिलेटिव्स कहलाएंगे, है ना। तो ये किनशिप होता है। किनशिप में हम लोग ब्लड रिलेशन को भी लेते हैं और मैरिज रिलेशन को भी लेते हैं, सिंपल है। डिसेंट क्या होता है, डिसेंट में हम लोग सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को कंसिडर करते हैं। बायोलॉजिकल मतलब सिर्फ ब्लड से रिलेटेड हम रिलेशनशिप्स को कंसिडर करते हैं। जैसे कि अब डिसेंट क्या होता है कि डिसेंट में हमने देख लिया कि आपसे कोई अगर बायोलॉजिकली रिलेटेड है, मतलब सेम ब्लड है आप लोगों में, है ना, सेम ब्लड मतलब बोलते हैं ना खून का रिश्ता है हमारा, तो वो आप उस डिसेंट ग्रुप में ग्रुप से बिलोंग करोगे, ठीक है। फिर किनशिप जो होता है, मैं बोल चुका हूँ कि इसमें हम बायोलॉजिकल रिलेशनशिप भी देखते हैं और नॉन बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल मतलब वही किन्स वाला आपका, मतलब आपके जो मैरिज मैरिज के रिलेशन के वजह से जो आपके किन्स या आपके जो रिलेटिव्स बने वो आपके किनशिप इसमें आ जाएंगे, नॉन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में। डिसेंट जो होता है वो सिर्फ बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में होता है। डिसेंट मतलब समझ गए ना, सपोज आपके ये कोई कॉमन एंसेस्टर है, अब इस कॉमन इन कॉमन एंसेस्टर से ही आपके दूसरे डिसेंट्स आए, इनसे फिर कोई और डिसेंट हुआ, इनसे फिर कोई और जनरेशन बाय जनरेशन इनके बच्चे हुए, देन उनके बच्चे हुए, और उस जनरेशन में आप उस जनरेशन से आप बिलोंग कर रहे हो, तो आप सब लोग एक डिसेंट ग्रुप से बिलोंग करते हो, आप ऐसा बोल दोगे, है ना। इसमें आपके जो मैरिज से रिलेशन बने ना वो इंक्लूडेड नहीं होंगे डिसेंट ग्रुप में, जबकि किनशिप में आपके ये ब्लड वाले भी होंगे और इसके अलावा जो शादी के वजह से जो रिलेशन बने वो भी होंगे, समझ गए आप लोग। जैसे अगर आप अपना डिसेंट ग्रुप देखोगे ना, तो आपके डिसेंट ग्रुप में ना आप अपना क्या बोलते हैं ब्लड रिलेशन देखोगे, या तो मम्मी की तरफ से या फिर पापा की तरफ से, है ना। तो इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे कि इसी को हम यूनिलिनियल और इसी को हम लोग मैट्रिलिनियल डिसेंट और पेट्रिलिनियल डिसेंट बोलते हैं, मतलब आप खून के रिश्ते के बेसिस पे ही अपने रिलेशनशिप को डिटरमाइन कर रहे हो, और वो खून का रिश्ता पापा के साइड से भी देख सकते हो और माँ के साइड से भी देख सकते हो, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो देखिए जो डिसेंट ग्रुप मैंने आपको बताया, अब डिसेंट ग्रुप मतलब समझ गया क्या होता है, जब डिसेंट का बेसिकली मतलब होता है जब आप अपने आप को किसी एक ग्रुप से अफिलिएट करते हो, है ना, आप बताते हो कि भाई मेरा डिसेंट ग्रुप ये है, मैं इस डिसेंट ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, जैसे आपका आपके भाई का है ना, आपके पापा का, आपके परदादा का, या आपकी माँ का, आपके जो नानी नाना, ये सब मतलब एक डिसेंट ग्रुप से आए हो आप लोग, सेम ब्लड शेयर करते हो ना आप, मतलब उनका ब्लड आप मतलब आपका ब्लड जो है वो आपके नाना का भी ब्लड होगा, आप में दादा का भी होगा, क्योंकि आपकी माँ और पापा में उनका ब्लड आया है, तो आप ये बोल सकते हो कि किसी भी ग्रुप से अफिलिएट होना
ओनली बाय ब्लड, तो ये डिसेंट होता है। अब डिसेंट के अंदर आप तीन चीजें देखते हो, लीनेज, क्लैन और ट्राइब्स। कई बार लोग इन तीनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनको क्योंकि पता ही नहीं चलता कि ये तीनों में क्या डिफरेंसेस है। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जो डिसेंट ग्रुप है उसको आप लीनेज, क्लैंस और ट्राइब्स में डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप इन तीनों में रिलेशन देखना चाहो तो बेसिकली क्या होता है, ये तीनों एक्चुअल में एक दूसरे के हायरार्की में एग्जिस्ट करते हैं। हायरार्की से मेरा क्या मतलब है, जैसे सबसे ऊपर जब आप किसी सबसे ऊपर आप देखोगे तो ट्राइब्स को देखोगे, देन ट्राइब्स को आप फर्दर डिवाइड करोगे तो क्लैंस को देखोगे, क्लैन को आप फर्दर डिवाइड करोगे तो आपको लीनियजेस देखने को मिलेंगे। आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्राइब्स आर डिवाइडेड इनटू, ट्राइब्स को आप बोल सकते हो कि ट्राइब्स इज अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ क्लैंस, मतलब एक ट्राइब जो होती है उसके अंदर काफी सारे क्लैंस देखने को मिलते हैं आपको, और काफी सारे क्लैंस जो होते हैं उसमें अगर आप हर एक क्लैन को देखोगे तो हर एक क्लैन के अंदर आपको काफी सारे लीनियजेस देखने को मिलते हैं। अब ये तीनों चीज होती क्या है, तो ट्राइब्स को तो आप सिंपली आप बोल सकते हो कि ग्रुप ऑफ क्लैंस या कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ क्लैंस, ठीक है, ये आपने ट्राइब को बोल दिया। जो अपन ट्राइबल स्टडीज करते हैं, ट्राइब को पढ़ते हैं, तो बेसिकली हर एक ट्राइब के अंदर काफी सारी क्लैंस पाई जाती है अलग अलग, और वो क्लैन जो होती है वो क्लैन बेसिकली काफी सारे फैमिली से मिलकर बनती है, और उन क्लैंस के अंदर भी फर्दर वेरियस लीनेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब वो लीनेजेस बोले तो कि आप अगर अपने फादर के साइड से वो लीनेज को देख रहे हो तो वो पेट्रिलिनियल हो जाएगा, मदर के साइड से देख रहे हो तो वो मैट्रिलिनियल हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ ये तीनों चीजें होती क्या है। तो देखिए, पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि लीनेज और क्लैन, क्लैंस में और लीनेजेस में क्या डिफरेंस होता है। तो जो आपके लीनेज होते हैं, लीनेज के अंदर आप इसमें लिखा हुआ है अ लीनेज कैन बी ट्रे, पहली चीज तो ये देखो आप कि डिसेंट ग्रुप जो होते हैं वो तीन तरीके होते हैं, ठीक है, तीन तरीके से आप डिसेंट ग्रुप को डिवाइड करते हो, लीनेज, क्लैंस और ट्राइब्स। अब ये तीनों ही कॉमन एंसेस्टर में बिलीव करते हैं, है ना, तो लीनेज होगा वो भी कोई कॉमन एंसेस्टर की तरफ इशारा करेगा, क्लैंस भी होंगे वो उनमें जो यूनिटी है, जो रिलेशनशिप है वो कॉमन एंसेस्टर की वजह से बना होगा, वैसे ही ट्राइब्स में भी। अब ट्राइब्स में जरूरी नहीं है मे और मे नॉट हैव कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि ट्राइब्स में काफी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है आपको, ठीक है। तो अब आप आओगे कि लीनेज क्या होता है, तो आपको कोई भी डिसेंट ग्रुप का लीनेज को ट्रेस करना है, उसका लीनेज क्या है। लीनेज मतलब वो जो ट्राइब है, वो जो ग्रुप है, डिसेंट ग्रुप है, उनका कॉमन प्रोजेनिटर के बारे में वो बताता है। अब कॉमन प्रोजेनिटर मतलब नॉन ह्यूमन एंसेस्टर। अब नॉन ह्यूमन एंसेस्टर मतलब आप किसी ग्रुप को पकड़ो, है ना, और आप उस डिसेंट ग्रुप को पूछो कि भाई आपके पूर्वज कौन है, तो वो आपको ना प्रॉपर एक इंसान का नाम बता देंगे जिन जो इनके पूर्वज थे। अब वो इनके परदादा भी हो सकते हैं, परदादा के भी पिताजी हो सकते हैं, अगर मैटरनल फैमिली मैटरनल सोसाइटी से बिलोंग करते होंगे मैट्रिलिनियल, तो वो बता देंगे कि इनकी नानी परनानी उनका नाम बता देंगे, मतलब इनको इनका एक कॉमन प्रोजेनिटर पता है, मतलब जिसके वजह से इनकी जनरेशन चालू हुई है, जिस इंसान के ने बच्चे दिए और उससे डिसेंट होते होते इनकी जनरेशन आई है जिससे अपन बात कर रही है। और क्लैंस में क्या होता है, बेसिकली क्लैंस जो होता है ना वो कॉमन प्रोजेनिटर नहीं बता पाते, जो आपके क्लैंस होते हैं ना वो कॉमन एंसेस्ट्री बता देते हैं। देखो अब कॉमन एंसेस्ट्री और कॉमन प्रोजेनिटर में क्या डिफरेंस है, कॉमन एंसेस्टर आप जब बोलते हो ना तो आप बस ये बोलते हो कि हमारे पूर्वज जो थे वो सेम थे। अब पूर्वज सेम थे पर आपको पता नहीं है कि पूर्वज एक्चुअल में थे कौन। कई बार होता है कि पूर्वज कोई इंसान के फॉर्म में नहीं मानते, वो पूर्वज में किसी प्लांट को, किसी एनिमल को भी पूर्वज मानने लगते हैं। जैसे कि आप जो बंसल्स के बारे में पढ़ोगे, अब बंसल जो आपने लोगों का नाम सुना होगा, तो बंसल्स बांस को, बेम्बू को अपना पूर्वज मानते हैं, है ना। वैसे काफी क्लाइंट्स होती है वो किसी माउंटेन को पूजने लगते हैं या किसी प्लांट को पूजने लगते हैं वो लोग, जैसे मैंने बेम्बू का एग्जाम्पल दिया है आपको, है ना, तो ऐसे कोई भी एक प्लांट को पूजने लगते हैं। तो ये आपके कॉमन एंसेस्ट्री है, क्योंकि इसमें आपको एक प्रॉपर ह्यूमन एंसेस्टर नहीं पता है कि भाई मेरा ये ही एक प्रॉपर ह्यूमन एंसेस्टर था, है ना। तो मतलब आप बस एक कॉमन एंसेस्टर बोल देते हो कि भाई मेरा एक कॉमन एंसेस्टर था। अब कॉमन एंसेस्टर में कौन सा ह्यूमन था, क्या नाम था उसका, तो उसके बारे में डिटेल में नहीं पता होता, जबकि लीनियज में आप ये डिटेल निकालने की कोशिश करते हो, ठीक है।
और ट्राइब्स क्या होता है, तो काफी सारी क्लैंस को अगर आप मिलाओगे, मतलब ग्रुप ऑफ क्लैंस इज नोन एज ट्राइब। तो आई होप आप ये लोग आप ये समझ ही गए होगे, है ना, कि ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो आप मतलब समझ रहे हो कि जब आप डिसेंट की बात करते हो ना, तो आप सिर्फ ये बताते हो कि ये बाय ब्लड रिलेटेड है। अब बाय ब्लड में भी आप अगर ये कोशिश करो कि निकालने की, ट्रेस करने की कोशिश करो कि अगर ये ईगो है, मतलब ये अगर आप हो, तो अगर आप पेट्रिलिनियल डिसेंट देखने की कोशिश करोगे, तो आप, आपके पापा, देन आपके दादा, आपके परदादा, परदादा के भी पापा, तो ये आप पेट्रिलिनियल डिसेंट आप देखने की कोशिश कर रहे हो, है ना। अब पेट्रिलिनियल डिसेंट बेसिकली क्या है, इसमें आप लीनियज देख रहे हो, लीनियज आप पापा के साइड से देख रहे हो। इसी चीज को अगर आप अपनी मम्मी के तरफ से देखोगे, तो मम्मी, फिर मम्मी की मम्मी, फिर मम्मी की मम्मी की मम्मी, मतलब आपकी नानी की मम्मी, फिर नानी की माम, नानी की भी मम्मी, फिर नानी की भी नानी। तो ये आप जो देख रहे हो, ये मैट्रिलिनियल डिसेंट आप देख रहे हो, मतलब मदर के साइड से आप लीनियज को ट्रेस कर रहे हो। तो ये तो लीनियज हो गया, अब उस लीनियज के बेसिस पे आपके डिसेंट ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये। फिर अपन आप आगे चलते हैं। तो ये हमारा फाइनल जो स्लाइड है, इसमें हम देखते हैं कि फ्रेटरी और मोइटी होता क्या है एक्चुअल में। तो क्लेन्स तो आप समझ ही गए होंगे ना, क्लैन क्या होती है। तो क्लैन 1, क्लैन 2, क्लैन 3, क्लैन 4, क्लैन 5। ठीक है, आप मान के चलो एक सोसाइटी है, एक ट्राइब है, एक ट्राइबल सोसाइटी है, एक ट्राइब है, उसके अंदर ये पांच क्लैन पाई जाती है। ठीक है, क्लैन 1, 2, 3, 4, 5। अब मान के चलो कि ये पांचों क्लैन आपस में कंबाइन कर जाती है, और कंबाइन करने के बाद ये एक बड़े सोशल ग्रुप में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि क्लाइंस तो छोटी छोटी है। अब पांच क्लाइन मिलके एक बड़ा ग्रुप बना ले रही है, तो उस बड़े ग्रुप को अपन फ्रेटरी बोल देते हैं। अब आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि जब भी हम लोग फ्रेटरी की बात करेंगे ना, फ्रेटरी, तो फ्रेटरी हमेशा तीन या तीन से ज्यादा क्लाइन से मिलके ही बनेगा। याद रखिएगा, तीन या तीन से ज्यादा क्लाइन से मिलके ही बनेगा। अगर सिर्फ दो ही क्लाइंस आपस में मिल रहे, तो अपन उसको, और उनसे जो ग्रुप बन रहा है उसको फिर अपन मोइटी बोल देते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अगर दो फ्रेटरी मिलेंगे, तो भी हम उसको, उससे जो बन रहा है उसको हम मोइटी बोल देते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यार ये तो दो फ्रेटरी आप बोल तो रहे हो, पर फ्रेटरी के अंदर तो तीन से ज्यादा क्लाइंट्स भी होंगे, तो फिर आपने ये दोनों एक ही बात कैसे हो गई। ये एक ही बात इसलिए हो गई क्योंकि जब आप पांच क्लाइंट्स से, पांच क्लाइंट्स को कंबाइन करके आप ये एक फ्रेटरी बना रहे हो ना, तो आप जब इस फ्रेटरी को स्टडी करोगे, तो इसमें आपको ये पांच क्लाइंस अलग अलग नहीं दिखेगी, क्योंकि वो आपस में मोल्ड हो गई होगी एक फ्रेटरी के फॉर्म में। इसलिए आप पांच क्लाइन, इसलिए आप एक क्लाइन बोलो या एक फ्रेटरी बोलो, वो एक ही बात है, क्योंकि वो क्लाइन का साइज ना, वो बढ़ गया एक तरीके से, क्योंकि पांच क्लाइन अलग अलग थी, वो मिलके एक फ्रेटरी बन गई। तो आप एक क्लाइन देखो या एक फ्रेटरी देखो, वो एक ही बात है एक तरीके से। तो आप अगर दो क्लैन आपस में कंबाइन हो रही है, तो आप उसको मोइटी बोल दोगे, और वैसे ही दो फ्रेटरी आपस में कंबाइन हो रही है, तो आप मोइटी, आप उसको भी मोइटी बोल दोगे एक। अब आपको पता होगा मोइटी वाला कंसेप्ट क्यों आता है। क्या होता था, जो क्लोज्ड प्रिमिटिव सोसाइटीज होती थी, या जो आपकी आइसोलेटेड सोसाइटीज होती थी, स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड, अब उसमें क्या था कि एक ही तरीके की ट्राइब थी। ठीक है, एक ही तरीके की ट्राइब थी। अब आपको उसमें शादी करनी है, तो ऐसे तो सब भाई बहन ही है उस ट्राइब में, तो आपने क्या किया, लीनियज के बेसिस पे या किसी एक कॉमन एंसेस्टर के बेसिस पे आपने उसको, उस ट्राइबल सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। तो इसको आप मोइटी बोल दोगे। ठीक है, तो इसको आपने बोल दिया मोइटी का M1, और इसको बोल दिया मोइटी का M2, है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस तो आपका क्या बोलते हैं, इस जो क्लैन रहेगा, या ये जो आपका जो फ्रेटरी रहेगा, इससे, इस फ्रेटरी में लोग अपनी लड़की की शादी करेंगे, और इस फ्रेटरी के जो लड़की होंगी, उनकी शादी इस दूसरी वाली फ्रेटरी में की जाएगी। तो ये जो डिवीजन है ना, ये दो, ये आपका क्या बोलते हैं, डुअल डिवीजन जो है ट्राइबल सोसाइटी का, उसको आप मोइटी बोल दोगे। ठीक है, अब एक मोइटी के अंदर आपको या तो दो क्लैन देखने को मिलेंगे, या दो फ्रेटरी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये जो कन्फ्यूजन होती है लेके, तो वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।